वेलकम टू स्मूथ आर्ट। मैं वापस अपनी वही घिसी पिटी चेयर पे और जगह पे आके बैठ गई हूँ, बट ये ब्लॉग बिल्कुल घिसा पिटा नहीं है। तो वैसे कुछ खास नहीं है। टुडे आई एम गेटिंग रेडी टू गो फॉर अ फ्रेंड्स रोका एंड मैंने सोचा ब्लॉग बना लूं, थोड़ी चिटचैट भी हो जाएगी। और मैं आज पहन रही हूँ साड़ी ब्लैक कलर की, वेरी कॉकटेलिश लुक। तो मैंने सोचा थोड़ा मेकअप होएगा, हेयर होएगा, गेट रेडी विथ मी हो जाएगा और जो हमारा रेगुलर गिव अवे होता है वो भी अनाउंस हो जाएगा। पिछले गिव अवे के विनर्स को जा चुके हैं, सब रिसीव हो जाएंगे तो नीचे बता देना। अच्छा हाँ, गिव अवे में क्या हो रही है ना एक प्रॉब्लम, जो लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, आई थिंक यू आर नॉट अलाउड टू गिव योर ईमेल आईडी। तो या तो थोड़ा स्मार्टनेस से लिख लो, जैसे सपोज smritikhanna@gmail.com है तो उसको smritikhanna80 लिख दो ना @gmail.com। मैं समझ जाऊंगी, इतनी भी नलायक नहीं हूं मैं। सो डू इट लाइक दैट, ऐसे कोड वर्ड में लिख दो। या तो फिर मैंने तो बाय चांस देख ली अपने DMs इंस्टाग्राम पे आए हुए थे, 1 person had sent me on my email ID। कैसे मिला तुम्हें मेरा ईमेल आईडी पता नहीं। और एक बंदी ने इंस्टाग्राम पे, तो आई हैपन टू चेक इट, बट गुड आई गॉट योर एड्रेस, इट्स बीन सेंट। बट बिफोर दैट मेरे को रेडी होना है बहुत जल्दी जल्दी। मैं दिखा देती हूँ मैं कैसे कैसे रेडी होती हूँ, प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स यूज करूंगी, वही सब बातें करेंगे और बकवासें करेंगे। ऑल्सो क्या होता है ना, हाँ मैं साड़ी जो पहनने वाली हूँ वीर दिखाऊंगी अभी। वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ आर्स, गौतम की फ्रेंड बेसिकली, बट ही नोज हर आई थिंक फॉर 20 years और समथिंग। कौश इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो नाउ। एंड ब्लाउज एज यूजुअल अभी आया है ऑल्टर ओके वी पास से, तो उसी दिन आता है और 1 घंटे पहले ही आता है। जो लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग देखे उनको पता होगा कि ऑल्सो ये कपड़े मैं खरीदती नहीं हूँ। सम पीपल वंडर कि मैं क्या कर रही हूँ, ये पैसे पट रही हूँ, बिल्कुल नहीं। आई एम वेरी कंजूस काइंड ऑफ अ पर्सन, हर बार डिफरेंट पहनती हूँ। वो यूजली हाउ द कोलैबोरेशंस वर्क इज बेसिकली आई टेल यू, 2-3 टाइप की होती है। एंड चुप ही नहीं हो रही है बाहर, एक मिनट, पर मैं दरवाजा बंद नहीं कर सकती, सॉरी, बिकॉज AC नहीं है इधर अंदर। वन इज अ बाटा कोलैबोरेशन वेयर द डिजाइनर और हूएवर दे सेंड यू गिफ्ट्स outfits in exchange of tagging them, creating content for them. Second होता है जिनके कपड़े बहुत बड़े designers हैं, जिनके कपड़े बड़े महंगे, अब लहंगे महंगे हैं जो 2-3 lakh से कम तो आते नहीं है आजकल। So those kind of expensive clothes, of course they don't gift also and we don't want also. How will I store? अगर मैं हर शादी में 5-6 कपड़े मुझे gift मिल गए तो मेरे पास इतनी जगह भी नहीं है। It works the best for us because they send, of course sometimes they make a new blouse for you or they alter it in your size, of course they send it, we wear it, we tag them, it's a win-win for both. Unke kapde bhi unko wapas mil jate hain, hame khareedne nahi padte to hamare paise bach jate hain. So that is one kind of a thing. Barter mein of course wo hame gift bhej dete hain, hum unko dobara tag kar dete hain. Aur third is of course paid, jo bahut sare log nahi karte hain. So isliye fashion main zyada karti hi nahi hu. टू बी ऑनेस्ट, लाइफ स्टाइल करो, FMCG करो, जो ब्रांड पैसा देता है हम वो उनके लिए काम करते हैं, आपको मालूम ही है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी वर्क, दिस इज आर ओनली ब्रेड एंड बटर। बट हाँ, कुछ ब्रांड्स होते हैं कि हमें प्रोफेशनली शॉर्ट चाहिए, आपकी टीम आनी चाहिए, तो हम कहते हैं फिर पैसे निकालो। पार्ट बार्टर, पार्ट पेड भी होता है, कभी कभी पेड होता है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो मुझसे काफी लोगों ने पूछा था कि रकुल जैकी की वेडिंग में आप शॉपिंग करने गए थे। ऑफकोर्स आई थॉट इस बार मैं ले लूंगी एक आध आउटफिट, पर मैंने जब प्राइसेस चेक किए मैंने कहा यार जब सब भेज रहे हैं मुझे मैं क्यों लू। सो दिस साड़ी इज ऑल्सो बाय, भाड़े का माल है, बिल्कुल मेरा नहीं है। रेडी हो जाती हूँ, अभी अभी नहाया है मैंने, वॉक कर रही थी अपना नीचे। स्टार्टिंग विद सीरम लगाती हूँ पहले मैं, मेरी ड्राई स्किन है, हाइड्रोलॉनिक एसिड होता है जिस सीरम में, वो लगा लेती हूँ, उससे हाइड्रेटेड रहता है मामला। ज्यादा रगड़ना नहीं चाहिए सीरम को, मेरे को जल्दी है थोड़ा इसलिए मैं कर रही हूँ। कैन टैप ऑल्सो, पर ये सब मैं रात को करती हूँ चोचिए। क्रीम लगाएंगे, ये लगा लूंगी, ऐसा मेरा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, मैं तो यही लगाती हूँ। कोई कोई चीजें हैं ऑफ कोर्स सबकी होती हैं। एक मेरी और बड़ी फेवरेट है मॉइस्चर सर्ज क्लिनिक की, वो भी मैं बहुत लगाती हूँ मेकअप से पहले, दिख नहीं रही अभी। ये भी अच्छी है बेनिफिट की, बेनिफिट कॉस्मेटिक्स की ना प्रोफेशनल क्रीम है, प्यारी है, हाइड्रेटिंग है, जो सूट कर जाए यूज कर लो, जो नहीं करे वो गिफ्ट कर दो। सिर्फ इसलिए गिफ्ट नहीं करती, बहुत होता है इसलिए भी कर देती हूँ, ये मत समझना कि बेकार सामान भेज रही हूँ तुम्हें मैं। लिप बाम लगा लिया करो पहले, ताकि जब तक मेकअप चल रहा है लिप्स थोड़ा हाइड्रेट हो जाए। लिप बाम मिल नहीं रही थी फ्लाइट में, नहीं मिलती जो, वो लगा रही हूँ लिप बाम। फाउंडेशन लगाएंगे, टाइम नहीं है अभी मेरे पास ज्यादा एक्सप्लेन करने का, देखते जाओ बस। ऑल्सो बिल्कुल चीटिंग नहीं कर पाऊंगी इस बार मैं, कि मैं ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट शो ऑफ हो ही नहीं सकता, मैं तो खुद का मेकअप कर रही हूँ आपको पता ही है। क्योंकि आज थोड़ा हैवी मेकअप है और इंडियन वेयर एंड ऑल दैट, तो मैं ये वाली लगाती हूँ हैवी मौकों पे। इट्स टार्ट की फाउंडेशन, सॉरी टैग नहीं कर पाऊंगी, इंडिया में नहीं मिलती शायद, कोई भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लेते हैं 2 pumps, साथ में हम क्रीम मिक्स करते हैं हमेशा, इसके साथ भी स्ट्रोब क्रीम मैक की,
इसके बिना मैं यूजुअली मेकअप नहीं करती, इट्स माय एब्सोल्यूट फेवरेट. आज ब्रशेस का यूज करेंगे हम और फिंगर्स का उसका नहीं करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर का, क्योंकि धोए नहीं हुए. सारी पोल मैं अपनी खुद ही खोल देती हूँ एक्चुअली. हम गाना गाएंगे सजना है मुझे सजना. बिल्कुल भी नहीं सजना उसके लिए, मुझे बदतमीज हुआ हुआ है आजकल, कोई ध्यान ही नहीं है मेरे पे. सबके दिन आते हैं बेटे, मैं भी नहीं दूंगी अब इस पे ध्यान. और हाँ, आज के स्पेशल क्या चीज है कि मैं स्मोकी मेकअप कर रही हूँ. मैं तक करती नहीं हूँ आंखों पे कुछ भी. जिन्होंने मेरे पुराने ब्लॉग देखे, मैं हमेशा जो सिर्फ ऐसी ब्लश ऑन मार देती हूँ यूजली. लग गई फाउंडेशन, इजी था ना. अब डार्क सर्कल्स को कंसील करेंगे. आपको पता ही है मैं कैसे करती हूँ, ये यूज करती हूँ हमेशा. टू फेस्ड का बहुत टाइम से चल रहा है, इतनी सी शीशी है, एक साल से तो मैं यूज कर ही रही हूँ इसको, और अभी भी ये आधी भी नहीं यूज हुई है. तो अगर आप ये खरीदना चाहें तो जरूर खरीदिए इसको. मैं एज अ करेक्टर यूज करती हूँ, थोड़ा डार्क कलर है तो जैसे ही मैं लगाऊंगी ये पीला हो जाएगा मेरा आंखों के आसपास. फिर मेरे को थोड़ा सा कंसीलर लगाना पड़ता है. इसके लिए मुझे ब्यूटी ब्लेंडर की जरूरत थी, बट मैं डर्टी ब्यूटी ब्लेंडर कभी यूज नहीं करती हूँ स्किन पे. फ्रेश लेना चाहिए क्योंकि उससे बड़े डिसएडवांटेजेस हैं. हाइजीनिक रखना बड़ा जरूरी है. अपने ब्रशेस को धोते रहे हमेशा, ब्यूटी ब्लेंडर्स को भी क्लीन करते रहे, उससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. उनके अंदर बहुत प्रोडक्ट होता है ऑलरेडी, और प्रोडक्ट लगा होता है तो उसके वो डस्ट भी अब्सॉर्ब करते हैं क्योंकि आप हर टाइम उसको गीला करते हो. मत करो, इससे अच्छा फिंगर्स कर लो. हाथ तो अभी धोए ही है ना अपने, तो शेड्स करेक्ट लो और प्रोडक्ट कम लगाओ तो क्रीजिंग एंड ऑल नहीं होगी आईज के आसपास. ये लोग जो 30s में अपने वही समझ पाएंगे जिनकी क्रीजिंग हो रही है. जो बच्चे 20s में है उनके नहीं हो रही है, उनको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइन लाइंस या रिंकल्स की. तो अच्छे से मॉइस्चराइज करो आंखों के नीचे का एरिया पहले, उसके बाद लगाओ तो फिर इतना क्रीजेस में सेट नहीं होता. कंसीलर अभी हम टार्ट का लगाएंगे, ये वाला कोई भी लगा सकते हो आप जो आपका सही है. वो आपकी फाउंडेशन से ऑलमोस्ट मैचिंग शेड हो सकता है, वो डार्कर होने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा आज कॉन्टोर भी करेंगे. इतनी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कॉन्टोरिंग में, रॉन्ग हो जाती है चीज़ें, पर ठीक है कोशिश तो कर ही सकते हैं. और यहाँ पे भी करना होता है क्योंकि मेरा फोरहेड भी बड़ा है, बहुत बड़ा है. गंजापन उस पर और ऐड हो गया है. बैड फॉर मी. पाउडर लगा लूँ एक बार, फिर मैं गिव अवे अनाउंस कर देती हूँ ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो. नोज हुई है मेरी, ठीक हुई है? पता नहीं, बता देना कमेंट्स में. कोई टिप्स हो तो दे देना मुझे भी, आई डोंट माइंड एट ऑल टेकिंग टिप्स. इनफैक्ट आई लव. पाउडर लाएंगे ट्रांसलूसेंट पाउडर बाय लॉरा मर्सियर, फेवरेट गेम चेंजर है. एक बार जब आप पाउडर लगाने लगे उससे पहले अपना डैब कर लें अंडर आईज. कोई भी लाइंस हो, कुछ हो, क्रीज में सेट हुआ है तो उसको स्मूदन आउट करके एंड देन यू पुट योर पाउडर लाइक दिस. आई नो कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स बड़े महंगे होते हैं एंड ऑल दैट, और उस टाइम लेते हुए थोड़ा जिया घबरा रहा होता है. बट इफ यू कैलकुलेट जो चीजें आपकी दो दो साल चलनी है, वो चीजें आप थोड़ी महंगी भी इन्वेस्ट कर सकते हो उनमें. जो चीजें बहुत यूज होनी है, जैसे अगर आप फाउंडेशन रोज लगाते हो तो ठीक है, आप थोड़ा इकोनॉमिकल ऑप्शन ढूंढोगे. जो चीजें आप रोज नहीं लगाते हो, जैसे लिपस्टिक्स बहुत चलती है, नहीं एवरी डे वाली नहीं चलती है एक्चुअली, वो भी आप ट्राई कर सकते हो. बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं यार, अब तो इतने होम ग्रोन ब्रांड्स आ गए. इंडियन कितने अच्छे ब्रांड्स हैं, कीरो कॉस्मेटिक्स, शुगर, रेने. ओके, टाइम टू अनाउंस द गिव अवे राइट नाउ. मेरे को नाम नहीं याद और आईडीज नहीं याद, दैट इज गोइंग टू पॉप ऑन द स्क्रीन, जस्ट चेक. द फर्स्ट विनर इज दिस. कांग्रेचुलेशंस, यू हैव वन योरसेल्फ सम गुडीज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड एस लैब्स, जिसके अंदर आया आपका लुमिनेर लो पीएच डायमंड एसेंस क्लेंजर है ये, फेस वॉश मतलब. लुमिनेर रीबैलेंसिंग डायमंड ड्रॉप्स, दे क्लेम इसके अंदर रियल डायमंड डालते हैं वो. इट्स अ एडवांस ब्राइटनिंग एम्प्योल. ऑल्सो देर आर सम डायमंड ल्यूमिनियस इंटेंस ब्राइटनिंग मास्क हैं इसके अंदर, पैक्ड है सॉरी. और ये कुछ साथ में कुछ गुडीज है, शायद कैलेंडर है, हैक्स भी सकते हो आप, कोई बात नहीं. This is what you have won yourself. Congratulations. These four things. Second winner ko mila hai. Ta-da! Cosmetics. Kiro ki do lipsticks hai ye. Achche shades hai. Kiro mascara. And this, oopsie, eyeshadow palette. Achche isme hai. Kaafi sare shades. Congratulations. You have won yourself this kit. Ta-da!
ओके गिव अवे में जैसे मैंने पहले अनाउंस किया था आई विल डू इट इन एवरी व्लॉग तो इट्स नॉट गोना बी समथिंग ग्रेट और व्हाटएवर बट इट्स जस्ट अ टोकन फ्रॉम माय एंड बिकॉज यू ऑल शो सो मच लव टू मी ऑल द टाइम and I don't know how to reciprocate. This is the only thing I could think of. Anyway, continuing with our makeup. हाँ, थोड़ा सा powder ये वाला भी लगा रही हूँ compact. अब eyes शुरू कर देनी चाहिए और नीचे नहीं गिरना चाहिए ये एक struggle होती है. नीचे powder भी आप लगा सकते हो कई लोग. सबके अलग अलग techniques हैं. कई लोग base बाद में करते हैं. They do the eyes first if they want to do loud eyes because वो गिरता है थोड़ा थोड़ा eye shadow. मैं बहुत dark नहीं करूँगी. I try to do usually brown के shades. This is the kit I'm going to use. Huda Beauty की है वाइल्ड जैगुआर के नाइट स्मोकी टाइप का मेकअप करने के लिए उसमें मैं ये वाला शेड ले रही हूँ दिख रहा है ब्राउन लेंगे ज्यादा सोचेंगे नहीं भाई ऐसे लगा लो बस एंड से शुरू करेंगे बिल्कुल ये ब्रश बहुत गंदा है सॉरी इससे ट्राई करते हैं ठीक है ये भी गंदा है नो व्लॉग में मेरी चॉप हो जा रही है एक और है भाई शाड़ा प्यार कहाँ है मेरे ब्रशेज कौन निकाला है देखते हैं ठीक है देख लो जो भी हो रहा है मैं हर बार ऐसे फू क्यों कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा है वो झड़ जाए इससे बेटर कि मेरे बेस पे गिरे अभी क्या करना होता है ना ये एंड में ऐसे ऐसे कर दो ताकि इधर नीचे भी लग जाए मुझे लग रहा है इसमें पहले से ब्लैक था जो मैंने अभी भाषण सुनाया तुम लोगों को कि कोई रेजिड्यू नहीं होना चाहिए वो मैंने खुद ही बकवास कर दी अभी मैं बिल्कुल लेट हो रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है रॉन्ग होता जा रहा है हर चीज भाई सबके मेकअप ब्लंडर होते हैं जरूरी नहीं है मैं परफेक्ट करूँ मैं दिखा दूंगी जब ब्लंडर होता है तो क्या करती हूँ मैं ये ब्राउन की जगह ऐसे लग रहा है ब्लैक लगता जा रहा है व्हाट द सॉरी कट इट एडिटर बन तो रहा है थोड़ा थोड़ा हो रहा है पेशेंस रखनी पड़ती है जब ये स्मोकी शोकी करो लेंसेज भी पहनूंगी आज मैं ब्राउन कलर के ऐसे स्प्रेड कर दो जिससे कि बहुत डीप जो लाइंस है ना वो सॉफ्टर लगनी चाहिए ये साइड का बहुत कचरा हुआ है आई थिंक इस साइड ज्यादा है क्या हो रहा है गाइस ये ट्राई करते हैं लेवेंडरिश टाइप का कलर है पर सिल्वर लग सकता है सही हो रहा है पोतेंगे इसके ऊपर हम और भी सामान डोंट वरी लेट्स पुट द लाइनर ये नार्स का लगाती हूँ मैं बड़ा अच्छा है आगे से बिल्कुल पतला रखे हमेशा लाइनर को वरना वो बहुत घटिया दिखता है मोटा कर लिया तो थोड़ा सा एज छोड़ भी सकते हो आगे का अब करेंगे मस्कारा जो हमारा गेम चेंजर होता है हमेशा ही और मैं यूज करूंगी जो मेरा करंट फेवरेट है फेंटी ब्यूटी मस्कारा टाना बहुत प्यारा है बेस्ट जो मैं हर मेकअप व्लॉग में आपको समझाती हूँ मस्कारा की एक लेयर लगा के छोड़ दी जाए और फिर 10-15 सेकंड के बाद सेमी ड्राई होने के बाद दूसरी लेयर लगाई जाए वन लेयर में इट्स अ गेम चेंजर भाई साहब इतना सही कैसे हो रहा है ये समझ ही नहीं आ रहा आई शेडो पे लग गया है जिस बात का डर था कुछ तो होना ही था लैशेस बड़ी लंबी है ना मेरी तो मेरे ऊपर लग जाता है शो ऑफ करने से बाज नहीं आना हमने कहाँ गई किट मेरी यार आज सब घूम रहा है मेरा सब कुछ इतना सा टेबल है उस पर मैंने कैमरा वे वो सब सेट किया हुआ जल्दी जल्दी करो जल्दी अगर आपकी शेप ठीक है तो आप सिर्फ फिल करिए उसको आगे से मत करा करो कभी भी फिल समझाया था मैंने आपको यहाँ से करोगे ना बहुत गंदे और मैनली लगता है फेस हल्का सा पीछे से करना स्टार्ट करो फिर जब उसमें प्रोडक्ट जो हल्का सा रह जाए उसको हल्का आगे आगे ऐसे से ले लो बस बिल्कुल आगे से ऐसे शार्प लाइंस मत बनाना अच्छा नहीं लगता वो टाइम फॉर नेक्स्ट लेयर ऑफ मस्कारा रियाना तुम भेज दो अपने पैसे मुझे पिछली बार मैंने सुना है ये प्रोडक्ट ही सोल्ड आउट हो गया था मैंने इसकी इतनी बकबक की है मुझे लग रहा है मेरी वजह से हुआ है मैं लेटर लिखूंगी फेंटी ब्यूटी को कैन यू सी दिस कोई ज़रूरत है फेक लैशेस की इतनी बड़ी हो गई है कि ऊपर टच हो रहा है अब मेरा मस्कारा ना वाओ यार मतलब वाओ ही हो गया अभी इससे अच्छा नहीं हो सकता कोई मस्कारा थोड़ा स्टीप है आई नो 1900 का है पर ये सारे ब्रांड्स के आजकल इतने ही होते हैं 2000 रुपए के मस्कारे बेचते हैं हर कोई सम पीपल आर सेलिंग फॉर 2500 ऑल्सो अगर आपको सिर्फ पार्टीज के लिए रखना है ये तो आप ले सकते हो अगर आपने रोज लगाना है तो थोड़ा महंगा माल है कमाल का माल है बस फटाफट वो करेंगे ब्लशर करंट फेवरेट फेंटी ब्यूटी बन गया ये शेड है मतलब यू कांट गो रॉन्ग विद द शेड बेसिकली गड़बड़ हो नहीं सकता इस क्रीम ब्लश में टाइम बहुत लगता है यार ये एक प्रॉब्लम है मलते रहो उसको
पाउडर ब्लश भी मार सकते हो आप अपना. उसका फायदा क्या है पता नहीं, बट वो ज्यादा स्टे करेगा. लेंस दिखा देती हूँ कौन से पहनती हूँ मैं. नहीं ऐसे दिखेंगे नहीं, मतलब डब्बी में. इट्स कॉल्ड फ्रेश लुक के लेंसेज हैं, ब्राउन कलर के, ब्राउन शेड है बस, उसका नाम है ब्राउन. लेंसेज लगाना भी एक आर्ट है जो मैं कर लेती हूँ मास्टर, पर अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी, अभी आंसू निकलेंगे वरना मेरे. हाथ धो के आई हूँ मैं एक्चुअली लेंस लगाने से पहले. सिर्फ आंख खोलिए, ऊपर देखिए और ये के अंदर. शूटिंग में पेन पेन की आदत हो गई है, कई चीजों में हम बड़े प्रो हो जाते हैं, वेली चीजों में. पेन लिए हमने लेंसेस, कुछ कबाड़ा नहीं हुआ ज्यादा मेकअप का. ब्राउन है, बहुत नेचुरल लगते हैं. आई डोंट लाइक ग्रीन ब्लू एंड ऑल, दे आर लिटिल ड्रामेटिक. शूट्स में चल जाते हैं, मेकअप अपने ऊपर नहीं सूट करते. सम पीपल कैन लाइक इट. हाइलाइटर लगाएंगे, नोज पे लगाते हैं. इतना ही लगाती हूँ मैं, ज्यादा नहीं लगाती हाइलाइटर. लिपस्टिक दिखा देती हूँ, लगा देती हूँ तुम्हारे. इसका नाम है मैक की है पेपरी पिंक लिपस्टिक, बहुत बेस्ट है, फेवरेट. ज्यादा स्यापे नहीं पालती मैं, लिप लाइनर एंड ऑल है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है. तसल्ली कभी नहीं होती, एक शेड लगा के तो ऊपर दूसरा पोतेंगे. ये लगा लेते हैं एस्टी लॉडर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगाओ, अपने हिसाब से शेड बनाओ. आईज थोड़ी डार्क है आज तो इसलिए लिप्स एकदम सटल रखने पड़ेंगे. ग्लॉसी लिप्स ऑल्सो लुक वेरी गुड विद स्मोकी मेकअप, लाइट कलर ग्लॉसी लिप्स. हाँ ये फेंटी ग्लो नाम है, नाइस, आई लाइक इट. ग्लॉस लग गई है. अब मैं फटाफट ब्लाउज एंड ऑल पहन लेती हूँ, साड़ी का पहले एंड देन हेयर कर लू. सॉरी मैंने बाल वाल नहीं दिखाया, मैं बस स्ट्रेट कर रही थी, ये मेरी स्ट्रेटनिंग आयरन. आई एम थिंकिंग ऑफ टाइंग माई हेयर इन अ पोनी टेल ताकि साड़ी संभालने में ईजी हो जाए, बाल ना संभालने पड़े. ऐसा कर लूँ, मैं इसको जेल लगाना पड़ेगा, छोटे छोटे फ्लाई अवे से. हाँ गिव मी अ रबर बैंड, मैंने नायका से रबर बैंड मांगा है. अबे रबर बैंड मांगा है क्यों, मुझे पैसे ला के दे रहे हो? नायका आर यू गिविंग मी और आर यू नॉट गिविंग मी? क्विकली गेट इट, आई एम होल्डिंग माई पोनी. जल्दी लाओ जल्दी नायकू, I don't have time. She actually got it for me. Thank you for the rubber bands. She's not wearing clips. No, I don't need. I'll just put a gel or water actually. Your hair will fly without it. Just fly. Spray him. Ah, what just happened? It comes aage only when you putting it aage. हाँ हाँ, it comes aage. पता नहीं भाई, ऑलमोस्ट रेडी. आई डोंट नो इफ दिस पोनी लुक इज गुड और नॉट, बट इट्स ओके. एक स्पेशल चीज है, आई टेल यू, आई एम वेयरिंग दिस विच इज वेरी स्पेशल बिकॉज इट्स माई मॉम्स एंड मैंने कभी नहीं पहना स्ट्रेंजली इतने सालों से. इयर रिंग्स पहने हैं इसके, सिर्फ गले का पहनने का इतना मौका नहीं मिल रहा होता ना. यूजली विद साड़ीज लहंगाज ऑल्सो वी एंड अप वेयरिंग इयर रिंग्स अ लॉट. हाउ इज इट प्रिटी ना? ओके. एक हाथ में हमेशा मैं वॉच पहनती हूँ, एक हाथ में हमेशा ब्रेसलेट. Absolutely love this ring. कोई मेरी मुंह दिखाई का कुछ गिफ्ट था ये. ब्लैक कुछ पहनती हूँ तो आई वेयर दिस. एंड आई एम ऑलमोस्ट रेडी, बस साड़ी पहननी है मुझे. ओके गाइस, साड़ी ड्रेप हो गई है और मेरा टैलेंट सुनोगे तो बहुत खुश होगे. एक भी सेफ्टी पिन नहीं लगाया है, बट आई थिंक आई नीड यहाँ पे एक प्लीट्स के लिए, इससे पहले कि गिर ना जाए साड़ी नीचे. आई एम ऑलमोस्ट रेडी, स्वेटिंग अ लिटिल. ओह शिट, डोरी बंद करनी है. आई होप यू गाइज, ये बैग है परफेक्ट मैचिंग विद दिस. आई होप यू गाइज एंजॉयड माय लिटिल गेट रेडी विद मी सेगमेंट. And keep watching, keep supporting, keep showing your love. Let me know if you want to watch anything on a particular topic. We can cover that. All right. See you. Bye-bye.